नमस्कार दोस्तों, पिछले भाग में आपने देखा कि हम लोग दिल्ली से चलकर पैठानी और पैठानी से चलकर हम नौटी गांव पहुंचे और नौटी गांव से हम लोग आदि बद्री के लिए निकले थे। तो रास्ते में हमको एक ये बहुत सुंदर स्वच्छ नदी मिली जहां पर हम लोगों ने कम से कम 2 घंटे नहाने का प्रोग्राम बनाया और हम लोगों ने नहाया और उसके बाद की अब यात्रा हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं और हम लोग चलते हैं आदि बद्री के लिए। आदि बद्री पहुंचने के बाद हम लोगों ने करण प्रयाग की तरफ रास्ता लिया और करण प्रयाग जाने से पहले एक रास्ता ऊपर कटता है जो जाता है बैनीताल को। रोड से 26 किलोमीटर की दूरी पर नैनीताल बैनीताल, में और बैनीताल हम खड़े पहुंचकर हुए हैं। आप नज़ारा देखिए। ये 8,000 हमारे दिनेश सैनी हैं जो हाइट आपको में दिखा है, रहे हैं कि बैनीताल के इतना चारों तरफ का दृश्य क्या वाइड है। और एरिया है। कुछ ऐसे दिस इज द ही टॉप ऑफ मस्ती के क्षण बैनीताल। हम लोगों ने वहाँ पर बिताए, कुछ कूद फांद की, कुछ उछल कूद की, ये मस्ती दिखाने के लिए। ये मस्ती इसलिए दिखाई जा रही है कि जब चार दोस्त हम लोगों का, मेरा खास तौर से ये रहता है कि जब हम चार दोस्त निकलते हैं एक टूर पर, एक यात्रा पर, एक ट्रिप पर, तो हम लोग एक चार दोस्त जब निकलते हैं वो कैसे बातें करते हैं, क्या करते हैं उस यात्रा में, क्या होता है उस यात्रा में, बस यही दिखाने की कोशिश करते हैं। वो मस्ती के क्षण, वो उस जगह की खूबसूरती, वो पल, वो चीज़ जो दुनिया जीने के लिए लाखों रुपए खर्च कर दे उसके बाद भी उसको नहीं मिलती है, वो हम लोग वहां पर करते हैं। वो मस्ती, फुल ऑन बैनीताल मस्ती। में अब ये सूरज देखिए, ऊपर है, फुल स्थिर ऑन नील मस्ती और विद पहाड़ों के फ्रेंड्स। ऊपर, यानी टॉप के ऊपर है हम लोग। ये आप नज़ारा देखिए, पहाड़ों के टॉप पर है हम अभी आप लोग। दोस्तों देख रहे हैं, ये है बैनीताल। ये बहुत सुंदर बैनीताल तो जरूर है लेकिन थोड़ा दुख हो रहा है और घास का मैं मैदान, इसका जल लेने उत्तराखंड कीचड़ सरकार से एक अपील भी करना चाहूँगा आप लोगों के माध्यम से कि अगर कोई भी उत्तराखंड सरकार का कोई भी अधिकारी देख रहा हो इस वीडियो को, तो मेरी आप लोगों से, उत्तराखंड सरकार से एक विनती है, भारत सरकार से विनती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से विनती है कि ये बैनीताल है, ये पहाड़ भाई। की अगर चोटी पकड़े में पर कोई आ स्थित गया जो बैनीताल है। ये करण प्रयाग से के पास में है बैनीताल और ये बैनीताल पूरी तरीके से घास, इतनी बड़ी बड़ी घास है, सात सात आठ आठ दस दस फुट ऊंची घास है। जहाँ पे पानी होना चाहिए था वहाँ पूरी घास है। इसकी देखभाल नहीं हो रही है। सरकार से मेरी विनती है कि इसकी देखभाल की जाए, इसके प्रॉपर ताल बनाया जाए और इसमें पानी है लेकिन वो पानी दलदल बन चुका है। आओ पीछे लगे, बारिश में हम लोग गए, आओ। आप देख सकते हैं क्लियर कि इसके अंदर इसकी देखभाल नहीं हो रही है। अगर इसकी देखभाल की जाए तो ये पर्यटन का बहुत बड़ा केंद्र बन सकता है और उत्तराखंड सरकार के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। तो अब हम आगे की यात्रा। करण प्रयाग से चलकर हम लोग पहुंचे थराली। थराली से हम लोग देवाल आए और देवाल से अब हम लोग आगे का सफर। दोस्तों, ये देवाल जगह है जहाँ से हम लोग आगे की ट्रैकिंग के लिए जाएंगे। ये हमारी गाड़ी आ गई है, इसमें हम लोग अपना सामान रखेंगे। तो ये हमारे साथी और ये हल्का हल्का बारिश का मौसम। भाई बाहर सड़क खड़े हुए हैं, मेरा तो खुद ही ये रखेंगे। हेलो, हाय हाय। आगे से सारा सामान सामने, वो तो मान लेते हैं, उसमें वो डस्ट जमी है, कोई बात नहीं। सामान हमारा चलना स्टार्ट हो गया। हेलो भाई दोस्तों, नमस्कार। मैं फोटो जर्नलिस्ट सुजान सिंह और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि हम लोग एक नए डेस्टिनेशन पे आए हैं और ये जो डेस्टिनेशन होगा हमारा, वो इतना अल्टीमेट होने वाला है, इतना फनी होने वाला है और इतना एडवेंचर होने वाला है कि उसके बारे में थोड़ी डिटेल हमारे कप्तान साहब दिखाएंगे, बताएंगे। ये देखिए, इतना शर्माते हैं लड़कियों की तरह, पता नहीं क्यों इतना भागते हैं, कैमरे से क्यों इतना बचने की कोशिश करते हो आप। अच्छा, थोड़ी सी रूटीन रूटीन बता दीजिए। अच्छा बता तो दीजिए। अच्छा सुनिए, मैं बताता हूँ। हम लोग दिल्ली से चल के पहुँचे सतपुली, सतपुली से हम लोग पहुँचे पैठानी। पैठानी में हमारा फर्स्ट नाइट स्टे, उसके बाद हम लोग चले और हम लोग पहुँचे आदि बद्री। आदि बद्री के बाद हम लोगों ने
बैनीताल के लिए चढ़ाई की और बैनीताल पहुंचे। बैनीताल के बाद हम लोग आए करण प्रयाग, करण प्रयाग से हम लोग पहुंचे अभी देवाल, देवाल जगह से हम लोग निकलेंगे घेस बुग्याल, और घेस बुग्याल से हम लोग तीन बुग्याल पार करते हुए वापस देवाल उतरेंगे। और ये हमारा लगभग 3 नाइट का हमारा स्टे होगा वहाँ पर, और आपको दिखाएंगे कि सारा का सारा एडवेंचर किस तरीके का होता है। तो हमारे मिलिए हमारे दोस्तों से, ब्रिजमोहन, पंकज, कप्तान नफेराम यादव, यस यस, और हमारे गाइड, हाँ गाइड दिखाओ, महिपाल सिंह, और वो हमारे कुक, और इनको दिखाओ सबको, कुक नीचे है, नीचे है। अरे एक फूल पकड़ना दोस्तों, घेस है जहाँ से हमारे दिनेश सैनी, जहाँ से हमारी आए, चलिए बाय बाय दोस्तों। घेस गांव, घेस गांव जहाँ से हमारी पैदल यात्रा स्टार्ट होगी। हम लोग घेस गांव पहुंचकर पैदल यात्रा जब हम लोग करेंगे, अब हम आ चुके हैं घेस गांव। जी हाँ दोस्तों, ये है घेस गांव, जहाँ ये जो सामने दिख रहा है नीचे गांव, इस गांव से हम लोग पैदल चलना स्टार्ट करेंगे। और ये जो पहाड़ी आप देख रहे हैं, इस पहाड़ी पर होते हुए हम लोग ऊपर जाएंगे, जो हम लोग ट्रैक करते हुए 30 से 35 किलोमीटर का हमारा जो सफ़र होगा वो होगा 35 किलोमीटर का सफ़र लगभग। हम लोग पार करके हम पहुँचेंगे सेवाड़ गाँव। खेस गाँव का ये स्कूल है जहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं, और यहाँ का नज़ारा देखिए कितना सुहाना मौसम है, कितना सुहाना मौसम है कि आप देखिए यहाँ। और रियल में यहाँ अभी ठंड है, मैंने जैकेट पहनी है अभी, तभी मेरी ठंड रुकी है, वरना रुक नहीं रही थी। और मैंने नफेराम यादव साहब जो हमारे कप्तान हैं उनकी जैकेट पहन ली है, और वो अभी बिना जैकेट के ही है। ये देखिए वो बिना जैकेट के हैं, और ये हैं दिनेश सैनी और अपने बाकी के हमारे चारों ट्रैकर, और ये हमारे साथी लोग, हमारे साथी हैं महिपाल जो हमारे गाइड हैं। और हमारे सामान ले जाते हुए पिक्चर के पीछे जाते हुए ये साहब, और हमारे गाइड, और ये रिक्वायरमेंट तो पहले यही है, हाँ ये अभी लगे नहीं है, अभी फूल लगे तो है ना, खाने का नहीं है। अरे खाने का तो हम खा लेंगे सारे, खाते नहीं इसको, खाते नहीं, अरे मजाक कर रहा था।
इस टफ, इस रियली वेरी टफ। अभी हम लोग सरमता गांव पहुंचे हैं, जो नीचे खेस गांव से थोड़ा ऊपर है। कितने किलोमीटर आगे ऊपर हम? 1 किलोमीटर आया अभी। यहाँ 1 किलोमीटर कम से कम 4 किलोमीटर हम लोग ऊपर आए। Thank you.
कर रखा है लेकिन दोबारा करूँगा। बेदनी बुग्याल, रूपकुंड, रूपकुंड में तो पानी नहीं है। रूपकुंड में सुंदर का आज पूरा सुना दिखाई नहीं, वैसे भी खत्म हो गया इस बार तो होगा कुछ बर्फ से, इस बार तो होगा। हेलो, ये जो आप घना जंगल देख रहे हैं ये हम लोग पहाड़ी से थोड़ा सा पहले हैं। हम लोग अभी बुग्याल पहुंचने वाले हैं और 2 घंटे लगेंगे। जो ये घना जंगल है इनमें देखिएगा इसकी क्वालिटी देखिएगा कि ये जो जिसको हम लोग काई कहते हैं ये बिल्कुल काई जैसा कुछ ये है जो हर पेड़ के अंदर इस तरीके से रचा बसा हुआ ये चीज़ ये देखिए। और ये बिल्कुल सूखी है, अगर हम इसको जलाना चाहें तो 1 मिनट में जल सकती है ये बड़ी ईजिली तरीके से। जंगल में आग लगाने का मेन कारण यही होता है। तो ये बहुत ही क्लासिक बहुत ही जबरदस्त जंगल है, मतलब ये एडवेंचर के लिए अल्टीमेट है। हाँ, पर यहाँ आने के लिए रियल में बहुत बहुत दिल चाहिए होता है और स्टैमिना बहुत चाहिए होता है, मन में एक वो रखनी पड़ती है, क्या बोलते हैं उसको, आस्था नहीं या दृढ़ संकल्प अगर होगा तो आप ये प्रश्न कर सकते हैं और आ सकते हैं और जा सकते हैं और कर सकते हैं। और यही सोच के हम लोग निकले हैं कि नहीं, हमको करना है तो करना है। ये यात्रा हमारी लगभग 30-35 किलोमीटर, लगभग 3 बुग्याल हम लोग इसके अंदर क्रॉस करेंगे और कम से कम 10-12 से ज़्यादा लेक्स कवर करेंगे हम लोग। तो मिलते हैं अगली हम अपने लेक पे किसी पे। वो बड़े वाला एक बार फिर घुमाना खिलाना।
ये पत्थर पे काई लगी हुई है, पत्थर पर काई, बड़ा पत्थर है इस पर काई लगी हुई है। और ये देखिए ये हमारे दो नमूने आ रहे हैं। मुंह ऊपर करके चला करो भाई, तो ये जो आप नज़ारा देख रहे हैं, हम लोग इतनी लंबी यात्रा करते हुए आए हैं कि हमारा स्टैमिना बिल्कुल ख़त्म हो गया है। और वो ये देख रहे हैं, ये एक गधेड़ा है, गधेड़ा मतलब एक ये नाला है जो बरसात के दिनों में बहुत भर के चलता है। और ये देख रहे हैं आप कितने कच्चे इस पे पत्थर है, ओनली पत्थर पत्थर पे हमको चलना है। और लगभग ये 1.5 से 2 किलोमीटर का था जो हमें लग रहा था कि ये ऊपर पहुंचने के बाद शायद ये ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये ख़त्म नहीं हुआ, जिससे 1.5 से 2 किलोमीटर इस पे चलने के बाद मेरी एनर्जी टोटल जीरो हो चुकी थी, मेरे से पैर भी नहीं उठाया जा रहा था। और इसको हम लोगों ने बहुत, मैंने बहुत मुश्किल से पार किया। और इसको पार करते ही बिल्कुल सीधी सीढ़ी नुमा एक चढ़ाई थी लगभग 100-200 मीटर की, वो करने के बाद हम लोग पहुंच गए हैं हमारा फर्स्ट डेस्टिनेशन। और ये देखिए शाम हो रही है और अभी हम लोग शाम को यहाँ पहुँचे हैं। यह है घेस बुग्याल, जी हाँ, जहाँ के लिए हम लोग निकले थे, घेस बुग्याल। और ये आप कुछ दृश्य देख रहे हैं जो चौखंबा के पास की पीक्स के हैं। और ये हम लोग अब हम लोग आग जला करके और बहुत ही बेहतरीन एक पार्टी की तैयारी कर रहे हैं, तो आइए देखते हैं। अभी तो बोलो ना 7:30 भाई, उसमें बताना वीडियो में, बना बता 7:30 वीडियो में, रात के हमें 7:30 बज चुके हैं। और अभी और हमारा हम इतनी ऊंचाई पे,
हाइट है इस टाइम 11,000 समथिंग। ये बॉनफायर हमारा चल रहा है, मस्त। हम लोग अपने बैठे में करीब एक घंटे से, अभी सनसेट हुआ है, उसको प्रॉपरली शूट किया है, कुछ ने सही अच्छा किया है। एक्शन। हाय दोस्तों, 11,000 फीट की हाइट पर हम लोग अभी यहाँ दिन है और आप देख सकते हैं कि हमारे हाथ में पैक है, हमारे यहाँ बॉनफायर चल रहा है और माहौल देखिए यहाँ का, इतना खूबसूरत मैदान, इतना खूबसूरत जगह कि तो ऐसा लगता है जैसे सपनों में हमने देखा हो कभी, या हमने सपनों में भी ना देखी हो। ये बहुत ही अल्टीमेट जगह है। क्या जगह का नाम बताएंगे आप प्लीज? तो दोस्तों यहाँ हमारा खत्म होता है दूसरा भाग, और हम आपको तीसरे भाग में दिखाएंगे कि यह यात्रा हमारी कितनी रोमांचक और होने वाली है। अभी तक आपने देखा कि हम लोग घेस बोग्याल पहुंच चुके हैं और हमारी पहली रात हम लोग यहाँ पर बिता रहे हैं, और अब हम मिलेंगे आपको अगले भाग में। नमस्कार।